ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। बातों से अपने मुकर मरने से मैं कभी डरता। दोस्तों इंस्टाग्राम रील पर ये वायरल वीडियो आपने देखा होगा एंड इस तरह का वीडियो अगर आपको भी बनाना है तो कैसे ये वीडियो आप बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो फुल वॉच करें ताकि अच्छे से आप अपने वीडियो को एडिट कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अगर इसी तरह की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं मेरे चैनल से आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वायरल ट्रेंड को आप कैसे फॉलो करेंगे। तो ये वीडियो बनाना काफ़ी आसान है, अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली आप 2 मिनट में ये वीडियो बना लेंगे। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है एंड ईजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। आप सर्च कीजिएगा VN, आपको मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस इसका होता है। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको 19 फ़ोटोज़ की ज़रूरत है एंड फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोन गैलरी में पहुँच जाएंगे। वहाँ से आपको 19 फ़ोटोज़ सेलेक्ट करके यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेने हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं इस तरह से स्क्रीन पर आपको फ़ोटोज़ लेने हैं। एंड में आपको VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है, इसको आपको डिलीट करना है एंड यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको 9.16 की रेशियो सेलेक्ट करनी है। ओके, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। देन दोस्तों यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे। म्यूज़िक के लिए इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम से आपको रील डाउनलोड करना है। देन रील से हम यहाँ पर म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे। देन प्लस पर क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो करना है। अब टेलीग्राम से जो रील आपने डाउनलोड किया होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से ओके कर लेना है। देन दोस्तों आप यहाँ चूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से डन कर लेंगे। हमारा म्यूज़िक यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग अपने फ़ोटोज़ को ट्रिम करना है। तो म्यूज़िक मैं आपको यहाँ पर सुना नहीं सकती तो पहले मैं ट्रिमिंग कर लेती हूँ एंड आप देखिएगा किस तरह से मैं ट्रिमिंग करती हूँ। देन आफ्टर ट्रिमिंग मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने फ़ोटोज़ की ड्यूरेशन क्या क्या रखेंगे। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. Still make mistakes, it isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame, it's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa. See?
दोस्तों इस तरह से आपको ट्रिमिंग कर लेनी है। अब आप ड्यूरेशन जान लीजिए, आपका जो फर्स्ट फोटो आएगा उसकी ड्यूरेशन आप रखेंगे 4.50 सेकेंड, उसके बाद के जो 7 फोटोज आएंगे उनकी ड्यूरेशन आप 0.90 सेकेंड रखेंगे, एंड बाकी के जितने फोटो आएंगे उनके 0.40 सेकेंड आप रखेंगे। ओके, अब दोस्तों बारी आती है इफेक्ट्स अप्लाई करने की। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फोटो के ऊपर रहना है, यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको इफेक्ट्स का, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग में आपको 2 इफेक्ट्स मिलते हैं ब्लैक वाइट, आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है एंड इसको एंड में जाके रखना है। ओके, इस तरह से हम इसको एंड में रखेंगे, इसकी ड्यूरेशन रखेंगे 2.50 सेकेंड, यहाँ से एंड से लेना है आपको ये 2.50, ये हमें करना है इसकी ड्यूरेशन। ओके, यहाँ से आपको डन कर लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ जॉइंट के ऊपर आएंगे। ओके, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है जूम का, आपको जूम के ऊपर क्लिक करना है। इसकी ड्यूरेशन आपको 0.80 यानी कि फुल रखनी है और यहाँ से डन कर लेना है। इसी तरह से आपको अपने उतने फ़ोटोज़ में ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है जिनकी ड्यूरेशन मैंने 0.90 सेकेंड यानी कि 7 फोटो की। ओके, तो हमें सेकेंड पे भी करना है एंड जूम इफेक्ट्स अप्लाई करना है, डन करना है एंड अगेन ऐसा ही मैं फटाफट से कर लेती हूँ। ओके, ओके, इस तरह से आपको 7 फोटो में जूम इफेक्ट्स अप्लाई करना है एंड उसके बाद आपके जितने फोटो आएंगे उनमें आपको यहाँ इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको जीटर डाउन का, आपको जीटर डाउन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अब आपको सेकंड फोटो के ऊपर आना है, फिर से आपको जीटर डाउन अप्लाई करना है, बाकी के जितने फोटो में हमें जीटर डाउन, तो मैं फटाफट से इनमें भी अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, तो सारे फोटोज़ में मैं जिटर डाउन कर चुकी हूँ। यहाँ पे लास्ट वाला जो फोटो है उसमें नहीं आता है क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी कम है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों अब हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाती हूँ कैसा हमारा वीडियो बनकर तैयार हुआ है। ओके, ये कौन है? मैं तो बच्चा है। ओके, तो इस तरह से हमारा वीडियो बनता है जैसा कि आपने रील्स में देखा होगा, इसी टाइप का था तो मैंने इसी टाइप का आपको समझाया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लगता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, वीडियो आपका रेडी है, अब आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से डन कर लेना है। अब दोस्तों आपको सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करना है एंड वीडियो आपका सेव हो जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरह की ट्रेंडिंग रील्स की नोटिफिकेशंस आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।